सुल्तान नूरुद्दीन अजंगी कहन लगे एक दिन मैं कमली वाले तो दूरों तो पढ़ता पढ़ता सो गया। फरमान लगे मैं तो सो गया पर मेरी किस्मत जाग पई। कहन लगे कमली वाले मेरी ख्वाब जी आ गए। कहन लगे सरकार मेरी ख्वाब जी आए। फरमान लगे कमली वाले ने मैनू दो सूरत वखाइया। हुजूर ने फरमाया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तू इत आराम पिया करना है आ दो बंदे तेरे नबी नू तकलीफ पे दें दे ने। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जड़े वेले तस्वीर वेखिया नबी करीम ख्वाब च तस्वीर वखा के गए। जड़े वेले नूरुद्दीन जंगी की अख खुल गई बार बार लेट देने सोना के फेर किधरे नजरी आ जाए। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी कहती होने गए सुपने अंदर माही मिले ते मैं गल विच पा लिया पावा दर्दी मारी मैं अख ना खोला कित फेर बिछड़े ना जावा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अद्धी रात वेले लश्कर तैयार किया मदीना तैयबा वल टुर पे। कह लगे कमली वाले आ तेरा गुलाम भी आयोदाई सोने तेरा गुलाम भी आयोदाई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जड़े वेले मदीना तैयबा आ गए। फरमान लगे मदीना तैयबा दे लोगों अज दे खाने की दावत मेरे वालों है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वेखिया सारे मदीने के लोग आ गए। पूछे हाँ लोगों को पीछे तो नहीं रह गया। आख लगे दो बड़े नेक इंसान ने जन्नतुल बकी दे करीब उन्होंने उत्थे झोंपड़ियां लगाइया ने। उन्हां विच सारा दिन अल्लाह की इबादत करते ने सारी रात इबादत करते ने। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहन लगे एदे ने को कारण मैनू उन्हां दी बारगाह च लै जाओ। जिहड़े वेले टुरे टुरे उन्हां नूं मिलण वास्ते आए वेखदी पहचान गए ए ओही दो इंसान जिन्हों की शक्ल कमली वाले ने तस्वीर खाब वखाई है। ईसाइया ने साजिश की थी अपने बंदे तैयार करके भेजे जाओ जाके मुहम्मद की कबर विचो जिसम निकाल के लैके आ जाओ ना कबर विचो जिसम आएगा। असी आखांगे तुसी कहंदे हो नबी हाजर है। असी आखांगे जे हाजिर है कबर विच लियाओ कबर खोद दियां वेख लैने। कहन लगे कबर भी कबर विचो समय निकाल लिया जावे ताकि ना कबर वेच जी समय आवे ना मुसलमान या कर साडा नबी कबर अंदर जिंदा होए। लोगों उन्होंने साजिश खेडी है। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब जी नबी करीम ने वखा दिता। आप वे कई पहचान गए आपने तलवार निकाली उन्होंने गर्दना ते रख के फरमान लगे मैनु सची सची दसो तुसी कौन। आपने जड़े वेले उन्होंने झोंपड़िया की जा के तलाशी लई लोगों जिथे मुसला बिछाया है उन्हें मुसलियां दे थले सुरंगा बिकड़ देने। और सुरंग टुरदी टुरदी नबी करीम दी कबरे पाक तक आ गई। हजरत उमर फरूक दे पैर दा अंगूठा भी नजरी आन लग पिया। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें दोवें ईसाइया दियां गर्दना उड़ा दितियां। आपने गर्दना उड़ा के दसिया जिहड़ा मुहम्मद दा गुस्ताख होवे जिंदा रहन दा हक कोई नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फेर मदीना तैयबा सरकार दे रोजे दे इर्द गिर्द खुदवाई कराई। लोगों जमीन नू खोदिया इन्नी जमीन खोदी नीचे तो पानी निकल आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शीशा पिघला के इज दी दीवार बना दीती नाले नबी करीम दा सोना दिया रोजा तैयार कराया। सरकार दे रोजे दे सामने खड़े होके कहन लगे कमली वाले हर रोज आवाजा मारदा रहा सोने एक दिन तो कमर मेरे ते फरमा दिता होई। कहन लगे कमली वाले इस करा दा मैं की शुकराना ही अदा करा। दुनिया ते बड़े बड़े सुल्तान ने पर तू अपनी गुलामी ले मैनू कबूल किया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सोना दिया सरकार दा रोजा बनवाया शीशे दी दीवार पिघला के बनाई नले अंत कर देने सोने
ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਗੁਲਾਮ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾਲੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਲਤਜਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦਬਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ تشریف لے کے آئے یاد رکھیے گا حضور دے بعد نبی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول وخاتم النبیین فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا اے رسول اے خاتم النبیین اے ادھے تے آ کے نبوت مک گئی یاد رکھیے گا نہ تے اسا آدم علیہ السلام دا زمانہ پایا نہ اسا حضرت نوح علیہ السلام نو ویکھیا نہ حضرت ابراہیم نہ حضرت موسیٰ نہ حضرت عیسیٰ اسا کسے نبی دی زیارت نہیں کیتی کسے نبی دا زمانہ نہیں پایا انج اللہ سارے نبیوں دی زیارت نصیب فرمائے یاد رکھیے گا ہر نبی دا ذکر سانو حضور نے سنایا بارے دیگر آکھاں ہر نبی دا میلاد سانو حضور نے سنایا سارے نبیوں دا میلاد حضور نے سنایا حضور آخری نبی عرض کیتی یا اللہ ساریاں دا میلاد میں سنا چلے ہاں میرے بعد تے نبی کوئی نہیں تے میرا میلاد کون سنایا کرے گا آواز قدرت آئی اے محبوب تانوں فکر دی لوڑ کوئی نہیں تسی آخری نبی ہو سارے نبیوں دا ذکر تسا سنایا ہے سنیا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تینوں غلامی انج دی عطا کراں گا جے گلی گلی نگر نگر تیرے میلاد دیاں محفلاں نال سجا دیواں تے مینوں بھی عرشاں دا خدا کون آکھے گا فرمایا سونے جے تیرے ملاد دیاں محفلاں نہ سج جان الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے مقدر اندر اے بات آئی حضور دا ملاد منانا قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی فرمایا اے غیب دیاں خبرہ دینے والے نبی انا ارسلنا کا شاہدہ فرمایا اسا تانو شاہد بھی بنا کے بھیجے فرمایا اسا تانو حاضر و ناظر بنا کے بھیجے و مبشر و نذیرا اور فرمایا اسا تانو خوشخبری سنان والا اور بر وقت اللہ کو ڈران والا بنا کے بھیجیا وداعی اللہ فرمایا اسا تانو اللہ ول دعوت دین والا بنا کے بھیجیا و سراج منیرا اور فرمایا چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا انہاں دو آیات بینات دے اندر لوگو توجہ درکار ہے انہاں دو آیات بینات دے اندر اللہ نے محبوب دیاں اٹھ صفات دا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا اے غیب دیاں خبرہ دینے والے نبی یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبرہ دینے والے نبی یاد رکھیے گا دیگر عقائد والے نے ایدہ ترجمہ کیتا یا ایوہ النبی اے نبی مگر میرے اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان حاضر بلیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایدہ ترجمہ کیتا آپ ارشاد فرماندے نے چونکہ یا بھی عربی دا لفظ ہے ایو بھی عربی دا لفظ ہے اور نبی بھی عربی دا لفظ ہے اب فرماندے نے یا ایو دا ترجمہ ہو گیا اے اور نبی چونکہ نابا ان نیچو نکلے ہے نابا ان دا مطلب ہوندا ہے خبر دینا پتہ لگ گیا جڑا خبر دے بے ان نبی ہوندا ہے جڑا خبر دے بے ان نبی ہوندا ہے اعلی حضرت نے تے محبت دی بات لکھی اب فرماندے نے خبر تے اونج اخبار بھی دے رہے خبر تے سانو نیو چینل والے بھی دے رہے تو کیا ماذا اللہ اخبار والے یا نیو چینل والے نبی ہوئے اب فرماندے نے خبراں نبی دیندے نے پر یاد رکھیے گا نبی خبراں دیندے نے اللہ دیاں تھوڑا جا کے بولیا جے سبحان اللہ جا
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਫੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੰਦੇ ਫਰਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਤਨੀ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਨਬੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਲਦੀਨ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਗਾਇਬ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਬ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਬ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਬ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨਬੀ ਏ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ। ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਆਖੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਉਣਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਰਾਨ ਭਾਈ, ਵਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਖਾਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਪਲਣਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣਾ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਆਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਨੂਹ ਬਿਦ ਬਿਸਲਾਮਿਨ ਮਿੰਨਾ ਵਬਰਕਾਤਿਨ ਅਲੈਕ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾ ਨੂਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਇਨਨਾ ਨੁਬਸ਼ਿਰੁਕਾ ਬਿਗੁਲਾਮਿਨ ਇਸਮੁਹੁ ਯਹਯਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਯਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਨੂਹ ਬਿਦ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਯਹਯਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਯਹਯਾ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬ ਬਿਕੂਵਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਹਯਾ ਨੂੰ ਯਾ ਯਹਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਨੂੰ ਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਯਹਯਾ ਨੂੰ ਯਾ ਯਹਯਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਿਨ ਸ਼ਜਰਤਿ ਅਯਾ ਮੂਸਾ ਇਨੀ ਅਨੱਲਾ ਹੋ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ।
हजरत मूसा नु या मूसा कह के पुकारिया हजरत ईसा दी सलाम दी वारी आ गई अल्लाह ने फरमाया लोगों पता लग गया अल्लाह सारे नबियां नु या आदम कह के कदे पुकारिया कदे या नू कह के पुकारिया कदे या इब्राहिम कह के पुकारिया कदे या मूसा कह के पुकारिया अल्लाह कदे या ईसा कह के पुकारिया हजरत आदम तो लैके ईसा तक सारे नबियां नु या कह के पुकारिया मगर सारा कुरान पढ़ के वेख लो अल्लाह ने किधरे भी या मुहम्मद नहीं आखिया अल्लाह ने किधरे भी या अहमद नहीं आखिया अल्लाह ने जद भी यार दीवारी आई अल्लाह ने निशान फरमाया यासीन अल्लाह ने किधरे फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल किधरे फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर किधरे फरमाया या अय्युहल नबी किधरे फरमाया या अय्युहर रसूल अर्द की लयाज ते लोग कहते ने जे नबी नो या कह के पुकारिए शिरक हो जाता है फरमाया लोगों दिया गल्लां वल ना जावी जे नबी नो पुकारन दी लोड़ पै जावे फरमाया मदीने वल मुंह करके मेरे यार नो इंज पुकारी जिवें तेरा रब पिया पुकारदा नारे तकबीर नारे निशाना नारे निशाना नारा हैदरी आमदे मुस्तफा अल्लाह ने हजरत आदम अली सलाम तो लेके हजरत ईसा अली सलाम तक जिस नबी का भी नाम जिक्र फरमाया या कह के फरमाया जिन्हों समझ आई वह बंदा बोले सुभान अल्लाह पता लग गया असी सुनी एवें नहीं या रसूल अल्लाह के नारे मार दे असी एवें नहीं लब्बई का या रसूल अल्लाह कहंदे क्योंकि यह तरीका सानू अल्लाह कुरान च सिखाया है आओ ना नहीं तो कुरान विचो ए आयत ही कट दियो वरना तेनों मनना पवेगा सच्चा अकीदा अहले सुन्नो तो जमादा जेड़े कहंदे ने या रसूल अल्लाह जेड़े कहंदे ने या नबी अल्लाह क्योंकि अल्लाह भी कुरान च कहंदा या अय्युहन नबी कदे फरमांदा या अय्युहर रसूल अहबाबे दी वकार अल्लाह ने ए सानू तरीका इरशाद फरमाया बल्कि आओ ना किसे आशक दी जुबानी अर्ज करा एवें हो के ते हावा तू भरिया न कर या नबी सदा करया तू कर एवें हो के ते हावा तू भरिया न कर या नबी सदा करया तू कर फिर या नबी जे तू कहदारिया पाया जन्नत सा दी खरी हो गई फरमाया नबी ने इंज पुकारी जिवें तेरा रब पिया पुकार दई गिरामी कादर अहबाब फरमाया या रसूल कह के पुकारी जो बुलाने की बारी आ जाए और ये कुरान है ना हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्लाहु वजहहुल करीम रदियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अली पाक फरमांदे ने मैं ना एक दिन हुजूर दे नाल सैर करदा करदा फरमांदे ने पहाड़ा मल जा रहा हजरत अली फरमांदे ने मस्तकबलहु फमस्तकबलहु शाजरुम वला हजर इल्ला वहुवा यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या याद रखिएगा या रसूल अल्लाह कहना यह सुन्नी की पहचान है जेड़ा सुन्नी बैठे ना वो तो बंदा बोलेगा अस्सलामु अलैका या हजरत अली पाक फरमांद ने रस्ते च जेड़ा पत्थर आया जेड़ा दरख्त आया आ फरमांद ने हर पत्थर हर दरख्त विचो यही आवाज आउंदी सी अस्सलामु अलैका या एक मरतबा हाथ उठा के उच्चा सारा बोलो अस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह कमली वाले तेरे ते सलाम होवे, कमली वाले तेरे ते सलाम होवे। और सीरत दी किताबां पढ़ के वेखो नबी पाक अली सलात व सलाम ना एक दिन सरकार सैर करते करते जंगल वल जा रहे, अचानक हुजूर दे कन्ना च आवाज आ रही, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हुजूर दे कन्ना च आवाज आ रही, किसी की दर्दनाक आवाज। नबी पाक अली सलात व सलाम नो आवाज आ रही, बारे दीगर आखा ते आवाज आ रही, या रसूल अल्लाह उंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फी बहरी हम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अश्क़ालना। आवाज़ा आ रही या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाया जे, जे तुसी आखो ते असी भी सारे कमली वाले दी बारगाह च इल्तजाना करिए, ते सरकार दी बारगाह च असी भी अज इस महफ़िल पाक दा बहाना बना के हुजूर दी बारगाह च इल्तजा करिए। कमली वाले आ वेखना मुल्क पाकिस्तान दे अंदर तेरे गुलाम महंगाई दी चक्की अंदर पिसते जा रहे, उन्हें भी मदद मंगी, अज असी भी सरकार दी बारगाह चलते जा करिए। सोने जे तुसा करम नवाजी ना की थी, तुहाड़े गुलाम कित्थे जाणगे, कि सारे मिलके भला की पढ़िए, पढ़ोगे मेरे नाल मिलके। भाई रफीक साहब किबला ने लंगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोहना पकाया होगा, तो मैं अगे भी अर्ज किया जिदा खाइए ओदा, असी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर भी हजूर का खाने हाँ तो नारे भी हजूर के मारने हाँ। मैं अगे भी अर्ज किया जिहड़ा ते रौनक मेला वेखन वास्ते आया वह ना बोले सुभान अल्लाह, तो जिहड़ा हजूर की बारगाह चो खैरात लैन वास्ते आया वह तो बोलेगा सुभान अल्लाह। अच्छा जिहड़ा चौधरी बन के आया वो भावें ना बोले सुभान अल्लाह, तो जिहड़ा हजूर का कमी बन के आया ना वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। तो मेरा ईमान कहता आवाज़ आउंदियां होणगियां सुनावां की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह सुनावां की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह सुनावा की मैं दर्दां दी कहानी या रसूल अल्लाह खुदा दे वास्ते कुछ में है रबानी या। तुसी कोई नहीं पढ़ते भाई, याद रखिएगा अल्लाह ने सानू ऐसा रसूल अता फरमाया ही जिन्हों जदों पुकारिए जिवें पुकारिए यह सोना इतना लजपाल नबी है, साडे बुलान वालों देर हो सकती है, उदी अता वालों देर नहीं हो सकती। अच्छा भी जिदा ईमान है ना कि नबी हाजर नाजर है, नबी नू पुकारिए सुन दे सारा शेर नहीं। जदों मैं आखा ना या हथा नू उठावा भला भाई जिहड़ा नाल लैके आया, हाथ उठाए वो ही बंदा उठाए जिहड़ा नाल लैके आया, माशाला भाई या अल्लाह उहदे हाथ नू कदे किसे गैर दे बूहे ते झुकन ना देवी, जिहड़ा तेरे यार वास्ते उच्चा करके हाथ आखे या रसूल अल्लाह। सारा जुमला नहीं, जो तो मैं आखा ना या रसूल अल्लाह आखिर स्टेज तो लैके आखिरी बंदे तक सारे हुजूर दी बारगाह च हाजरी लगवाया जे ते आखिया जे या रसूल अल्लाह खुदा देवा सदे कुछ में है रबानी या रसूल अल्लाह खुदा देवा सदे कुछ में है रबानी या रसूल अल्लाह। नबी करीम अली सलाम जड़े बेले खरामा खरामा टुड़े टुड़े सरकार गए, जहाँ के वे आई आवाज किसी इंसान दी नहीं बल्कि जंगल का जानवर हिरनी है, वो हिरनी बड़े दर्द नाल नबी करीम नु आवाजा पई मार दी है। नबी करीम जड़े बेले टुड़े टुड़े उस हिरनी के करीब गए, सरकार ने फरमाया क्यों आवाजा पई मारनी है, कहन लगी अवे खना तीन दिन गुजर गए ना यहूदी ने फंदा लगाया है, सोने से फंदे बेच फस के खड़ी कमली वाले मैनु आजाद कर दे। खुदा ने फरमाया जे तेनू मैं आजाद कर दिता, उस यहूदी ने आके मैनु पूछ लेना मेरा शिकार कि थे वे, मैं
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਮੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹਿੰਨੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਯਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜ ਏ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਾਰ ਏ ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਪੈਰ ਛੁਡਾਇਆ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਹੀ ਉਸ ਫੰਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਯਹੂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੋਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਵਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਏ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਯਹੂਦੀ ਖੜਾ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਿਰਨੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੋ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਲੈ ਜਾ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਇੱਧਰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਹਿਰਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੇਖ ਹਿਰਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਪਈ ਚੌਂਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਯਹੂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾ ਜਮਨ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਂਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਾਈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸਾਲਤ ਆਮਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਤੀ ਪਤੀ ਫੂਲ ਫੂਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਮਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜੋ ਗੁਲਾਮੋ ਸੇ ਵੋ ਆਕਾ ਕਿਆ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਮਰਤਬਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਕਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤੇ ਸਹੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲੜੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਵਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨਿਓ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮ ਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮ ਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 1929 ਈਸਵੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਨਵਾਬਦੀਨ ਨਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ
कह लगा रात जो दो बजे ना कह लगा कि मैं कदे आके देखिया गाजी नफल पिया पढ़ दे कदे गाजी दुरूद पिया पढ़ दे कह लगा रात दो बजे ना ते मैं अचानक वेखन आया ते कह लगा मैं वेखिया गाजी कोठड़ी बेची कोई नहीं जेल खाने बेची कोई नहीं कह लगा मेरिया अखा च अथरू आ गए मैं रोन लग पिया कि जे गाजी ना होया तो सुबह मैं फांसी लग जावांगा। वो हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह आपने जो अनल हक का नारा मारिया ना तवज्जो है अबाब दी तवज्जो मेरे बार रखो भाई तवज्जो मेहरबानी फरमाओ तवज्जो। हजरत शाह मंसूर ने अनल हक दा नारा मारिया लोग आखिया जी इन्हों सूली चढ़ा दियो रात नू जेल इच रखिया गया ना आपनों ते मुरीद मिलन वास्ते आए पहले दिन मुरीद मिलन वास्ते आए ते वेखिया शाह मंसूर जेल खाने बेची कोई नहीं वो मुरीदा आखिया जी ये बाबे होरी ने इन्हां दी किसे नू समझ नहीं आई ते ख्याल की है कि अगले दिन मिलन वास्ते आवांगे अगले दिन आए ना ते वेखिया पहले शाह मंसूर नहीं सन अज जेल भी कोई नहीं अज जेल भी कोई नहीं। तीसरे दिन मुरीद मिलन वास्ते आए ते वेखिया जेल भी उथे ते शाह मंसूर भी उथे ते मुरीद कहन लगे बाबा तेरी अज तक कदे किसे नू समझ ते आई कोई नहीं ते तुहाडी बारगाह च इल्तजा ना आ दसो ते सही ना आ की सिलसिला पहले दिन आए ते तुसी कोई नहीं दूसरे दिन आए ते जेल भी कोई नहीं ते शाह मंसूर फरमान लगे ये इश्क दा कानून है ना कि जिदे उतो नाम कुर्बान जान कुर्बान करिए वो सोना फिर करम नवाजियां भी कर दे। शाह मंसूर कहन लगे पहले दिन तुसी मिलन आए सो ते मैं नहीं सा मैं यार दी बारगाह च गया होया सा ते आखिया दूसरे दिन जेल कोई नहीं सी उस दिन यार मेरे कोल आया होया सी पता लग गया इश्क दे उसूल भी बखरे कानून भी बखरे ये सारे मुसलमानों उसूल बखरे ने बल्कि हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ते कमाल दी तर्जमानी की थी पढ़िए भी बाबे बुल्ले दा कलाम ईमानदारी नाल दसो हमजा गो सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दे कदमां च बह के जे तुसी बाबे बुल्ले शाह दे नां ते सुभान अल्लाह नहीं बोलनी ते फिर बेगाने आके बोलनी लंगर तुसी वलियां दा खाओ ते सुभान अल्लाह कोई आके आखे ना ना लंगर भी असी खाने आते सुभान अल्लाह भी असी आखांगे उच्चा सर बोलो सुभान अल्लाह। ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम ना इरावे खुदा ना उरावे खुदा जिथे जावे झुका देवे आशिक दसर नए काबा देना करबला वे खुदा। बाबा नवाब जी ने कह लगा मैं रात दो बजे वेखिया ते गाजी जेल खाने बेच कोई नहीं कह लगा कि मैं परेशान हाँ कि गाजी किथे गया कह लगा अचानक जेड़े वेले रात गुजरती जा रही ते चार बज गए ना ते कहन लगा मैं अचानक आके वेखिया ते गाजी फेर कमली दी ना चादर दी चुंब मार के ना ते जेल खाने च बैठा कोठड़ी च बैठा कहन लगा मैं ताला खोलिया ते गाजी दे करीब गया ते जाके आखिया गाजी हर रोज मैं तेनू झिड़का मारदा सां कि तू कितने नाल गल्ला करने अकेला इस कोठड़ी अंदर है ते कितने नाल गल्ला पिया करदा सां हर रोज मैं तेनू झिड़का मारदा सां पिछलियां दी माफी दे अज जिंदगी दी आखरी रात है ते जिदे ना तो कुर्बान हो चले हैं ओदे ना दा वसीला ही ओदे ना दा वास्ता ही अज दस ना किथे गया सैं ते गाजी फरमान लगे जे तू मुहम्मद दा वास्ता ना देंदा मैं तेनू कदे भी ना दसदा फिर तेनू भी उसे मुहम्मद दा वास्ता जितनी देर तक मैं जिंदा किसे नू ना दसी आखिया गाजी दस ते सही ना तू गया किथे सैं गाजी कहन लगा उंज जेड़े महरम राज हकीकता दे ओ राज हकीकत खोलते नहीं जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लिया ओ ते बोलदे नहीं गाजी कहन लगे जे तू नबी दा वास्ता ना देंदा मैं कदे तेनू नहीं सी दसना गाजी कहन लगे अज जिंदगी दी आखरी रात ते मैं ना दो बजे ते मदीना तैयबा वल मुंह कीता ते हाथ जोड़ के महबूब दी बारगाह च इल्तजा कीती गाजी कहन लगे मैं हाथ जोड़ के इल्तजा पिया करना याद तेरी दा नदीवा बालिया याद तेरी दा नदीवा बालिया याद तेरी दा नदीवा बालिया याद तेरी दा नदीवा बालिया
ذلیل زلفاں والیا آوی جا ذلیل زلفاں ایمانداری نال دسو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو صلات نہیں کر کے آئے کہ اج مولوی ٹل بھی لاوے تے اسا نہیں بولنا تے جے صلاح کر کے آئے ہو تے پھر نہ بولو جے بغیر صلاح تو آئے ہو تو ویکھو نا میں کی کہہ رہا ہوں آ بھی جا بل لیل زلفاں الحمدللہ ویکھ لو 10 منٹ رہ گئے 12 بجن نو اور صوفیا فرماتے نے جدوں ادھی رات گزر جاوے نا پھر انہاں دے آمن دا ویلا ہوندا ہے मैं दुआ करना यार ला जेड़ा आज तेरे महबूब दी ए नात पड़े ना मफले पाके जो बैठ के आज रात मफले पाके जो उठ के घर जावे ते सोवे ते कमली वाला खा बिच आ जावे सारे हाथ उठा लो जेड़ा चांदा है कमली वाला करम फरमा देवे ए इंज करके ना ए इंज मेरे बल देखो ए इंज करके हाथ उठा के महबूब दी बारगाह इल्तजा करिए रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना किसी एक दी भी कबूल हो गई ते सोने करम फरमा देना जे सारे हाथ उठा के मेरे नाल मिल के पढ़िएगा आ भी जा ذلیل زلفاں والیا آ بھی جا ذلیل اے کملی والی عمر گزرتی جا رہی ہے ہن آ بھی جا ذلیل زلفاں والیا آ بھی جا ذلیل زلفاں ਪਈ ਰਫੀਕ ਸਾ ਪਈ ਮਰਾਨ ਸਾ ਮਹਿਫਲੀਏ ਸਵਾ ਉਸਤੇ ਸਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰੀਏ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਐ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਹਿ ਸਵਾਰੀ ਚੜੀ ਕੋਠੇ ਉਤਰੀ ਸੈ ਸੈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਓ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾ ਵੱਲੈਲ ਜ਼ੁਲਫਾਂ तेरे तो बारी तू ए जान ईमान दा मालिक तुद बिन मैं किस तारी आ भी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां हत्ता नो झंडे बना के लहरा के पड़िए आ भी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां कमली वाले साढ़े को सिदक अबू बकर वाला नहीं साढ़े को अदल भी उमर वाला नहीं साढ़े को हया भी उस्मान वाली नहीं साढ़े को शुजात भी अली वाली नहीं साढ़े को इश्क भी बिलाल वाला नहीं साढ़े को तड़प भी उवैस वाली नहीं पर जे किधरे आ जावे तेरा जाता कुछ नहीं साडा कम बन जाता आखने आ भी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां ए ज़ुल्फ़ां वालिया आ भी जा वल्लैल एक मर्तबा हाथ उठा के मिलके सारे पढ़िएगा आ भी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां वेख ले मदीने दिया ताजदारा अद्धी रात गुजर चली है हजे भी गुलाम रावज बह की उड़ीकां पे कर देने कमली वाले तेरिया नाता पढ़ के पे दस देने सोने खाने भी तेरे ना दवा गाने भी तेरे ही ना दा कमली वाले वेख इल्तजामा पे कर देनी आ भी जा वल्लैल ज़ुल्फ़ां
वाले आगाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे रात दो बजे तो गुंबद खजरा वल मुंह करके अर्द की सोने तेरे ना तो जान दे चले जे ना ना आया तो बगाने महीने मारने ने जिदे ना तो कुर्बान होया उते नबी एक बार भी नहीं आया। बाबा नवाब दीन कहंदा गाजी इलमदीन शहीद कहन लगे मैं मदीना तैयबा वल मुंह करके इंतजा की कहन लगे अदी रात वेले मेरी कोठड़ी च चानन लग गया कहन लगे अदी रात वेले मेरी कोठड़ी च चानन लग गया कहन लगे एक सोने जी सूरत वाला आया मैं उन्हों पुछना तू कौन है और कहन लगा गाजी चल तेनों मदीने वाला पिया बुलांदा तेनों मदीने वाला पिया बुलांदा ही गाजी कहन लगे मैं उन्हों पुछया तुसी कौन हो कहन लगा मेरा नाम अली आखिया मेरा नाम अली है। हजरत अली पाक फरमान लगे मैं कमली वाले दी बारगाह च गया पता लग गया बुलान वाला कोई होवे ते सोना आज भी करम फरमा देंदे फरमान लगे मैं हुजूर दी बारगाह च गया ते सरकार ने फरमाया गाजी ते चाहे ते साडे कोल रह जा ते जे फितरत दे तकादे पूरे करें ते सुबह सूली ते चढ़ के जान दे के आ जा सूली ते चढ़ाना उन्हां दा काम है उतार असी आप ही लवांगे उतार असी आप ही लवांगे तो सुबह जो सूली का वक्त आया ना गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप टुरे टुरे जाके ना ते फांसी दे फंदे नु चुमिया ते आप ही गले च डाल लिया जेल का दरोगा कहन लगा मुंडिया फांसियां दे फंदे आप गलियां च नहीं डाली दे खुदकुशी होंदी है। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा जुमला सुनिएगा लोग उतड़ बजाओगे गाजी फरमान लगे मैं इस फंदे नो इस वास्ते पिया चुमना इन्हें मेरे गले लगना है ते मैं जा मुहम्मद दे गले लग जाना है मैं सोने ते जाके गले लग जाने इस वास्ते पिया चुमना गिरामी कादर अहबाब गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह सोने दे ना तो कुर्बान हो गए उन्हें जालिमा की कीता मियां वाली दे जेल कब्रस्तान ला वारिशां दा उहदे विच गाजी नूं ना दफन कर दिता ला वारिशां दे कब्रस्तान विच अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लग्या ते जाके ना तहरीक चलाई ते लाहौर दे गवर्नर अंग्रेज नूं जाके कहण लगे ओ जालिमा उहनूं ला वारिशां दे कब्रस्तान विच दफन कर दिता जिते लखां वारस ने जिते करोड़ा वारिश ने उन्हों दफन कर दिता है लिया दे साडा गाजी सानू दे असी लाहौर जाके उन्हों दफन करांगे दादा पिया दे कदमां आखिया अमने आमा दा कोई मसला नहीं बनेगा मैं गरंटी देना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिख के गरंटी दी आखिया कोई अमने आमा दा मसला नहीं बनेगा कोई जलसा कोई जुलूस कोई धरना नहीं होगा असी ले जाके गाजी नूं बस लाहौर दफन करांगे इजाजत दियो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिख के गरंटी दी ते गाजी दी जिसमें मुकद्दस नूं आप नूं जिहड़े वेले कबर कुशाई कीती गई ना ते वेखिया तकरीबन 8 दिनां तों बाद कबर कुशाई कीती गई ते वेखण वाले ने वेखिया गाजी दीआं पलकां ते हजे भी गुसल दा पाणी है अजे भी गुसल दा पानी अखां दीआं पलकां ते मेरा ईमान कहंदा पानी भी कहंदा होवेगा या अल्लाह जरा रज रज के इन्हां अखां नूं चुम लैण दे इन्हां मुहम्मद रज रज के वेखणा है गाजी का जिसम निकालिया गया लाहौर जड़े वेले दाता पिया दे कदमां दा बोसा लैके मुसलमानों आप नूं जड़े वेले लाहौर कब्रस्तान च दफन करने वास्ते जनाजा पढ़िया गया ना तो 6 लाख लोगों ने जनाजा पढ़िया उस जनाजे दे अंदर बड़े बड़े औलिया बड़े बड़े सुलहा हजरत पीर हाफिज जमात अली शाह साहब मुहद्दस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह वर्गे हजरत पीर हैदर शाह साहब जलालपुरी वर्गे ते जनाजा पीर सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दस अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया ते पीर जमात अली शाह साहब ना जनाजा पढ़ के जनाजे दे नाल नाल लगे जा रहे आप दी दस्तार मुबारक खोल के ना ते जमीन ते गिर गई ते पीर हैदर शाह साहब ने दस्तार झाड़ के ते मोढ़े ते रखी ते आखिया शाह जी मत मारी गई है की होया दस्तार ते संभालो ना ते पीर जमात अली शाह साहब फरमान लगे हाँ जी शाह जी मत ही मारी गई है गुस्ताखी साडे नाने दी हुई सी चाहिदा ए सी के सैयद बदला लेंदे पर अब एक ना तरखाना दा मुंडा ही बाजी लै गया तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कब्र विच उतारन वास्ते आप पहले कब्रे पाक उतरे
कबरे पाके च उतरे ते गाजी दे जिस्म नू रखिया ते नाले कान च ना कहन लगे गाजी तेनू ते लावारसां दे कब्रस्तान च दफन कर दिता सी तेरी गरंटी दे के मैं तेनू इत्थे लैके आया लाहौर च दफन करन वास्ते ते कान च कहन लगे मेरा ना तेरे ते उते एहसान है ते जे एहसान दा बदला चुकाना चाहवें ते आ हुणे कमली वाले जदों तेरी कब्र च आए ना ते सोने नू मेरा सलाम अर्ज कर देवे सोने नो मेरा सलाम अर्ज करी ते आखी कमली वाले अवेख हिंदुस्तान च तेरे गुलाम ते मरदे नहीं ते सोनिया इन्हां नू एक पाकिस्तान नहीं अता कर देंदा इन्हां नू पाकिस्तान अता कर दे याद रखिएगा ए मुल्के पाकिस्तान ए ओ सिफारिश जड़ी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गाजी इलम दीन शहीद कोलों हुजूर दी बारगाह च कराई उस सिफारिश दी वजह तो सानू पाकिस्तान मिलिया गाजी इलम दीन दा कबर बना के ना ते आखिरी मुट्ठी मुट्ठी जड़े वेले रेत आपने मिट्टी दी डाली ते खड़े हो के फरमान लगे मरना इन्हीं का मरना जीना इन्हीं का जीना एक भांकपन से मरना एक भांकपन से मरना आ फरमान लगे शहादत अहमद लोग मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई ते किसे पंजाबी शायर ने आखिया सी इश्क जिना दी हड्डी रचिया फेर नहीं उसने जाना सोने पावे मिलन हजारा असा नहीं यार बताना जेड़े ओदी बारगाह दे हो जांदे ने ना फिर ओदी बारगाह च इल्तजा करन ते फिर सोना करम नवाजियां भी फरमान आ जांदा जे अबाबे जी वकार ए सोना इतना लजपाल नबी है इतना करीम नबी है जेड़ा हुजूर दी बारगाह च इल्तजा करदे ना जेड़ा बुलांदा है सोना करम नवाजियां फरमा देंदा जे एक बहुत बड़ा आशिक गुजरे है उन्हों जमाना सुल्तान आखदा सी मगर वो सुल्तान उल फुकारा सी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुकारा दे सुल्तान ने हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हर रोज नबी करीम दी जात उते ना दुरूद पढ़दे ने ते सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हर रोज दुरूद पढ़ना हुजूर दी बारगाह च सौण तो पहले दुरूद पढ़दे हुंदे सन ओ किसे आखिया सी ना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते गुलामो जो चाहते हो ना कमली वाला करम फरमा देवे फिर ओदे ते रज रज के दुरूद पढ़िया करो जेड़ा दुरूद पढ़दे जेड़ा यार नू बुलांदे फिर सोना किवें करम नवाजियां करदे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहन लगे एक दिन मैं कमली वाले तो दुरूद पढ़दा पढ़दा सो गया फरमान लगे मैं तो सो गया पर मेरी किस्मत जाग पई कहन लगे कमली वाले मेरी ख्वाब जी आ गए कहन लगे सरकार मेरी ख्वाब जी आए फरमान लगे कमली वाले ने मैनू दो सूरत वखाइया हुजूर ने फरमाया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तू इत्थे आराम पिया करना है आ दो बंदे तेरे नबी नू तकलीफ पे देंदे ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जड़े वेले तस्वीर वेखिया नबी करीम ख्वाब च तस्वीर वखा के गए जड़े वेले नूरुद्दीन जंगी की अख खुल गई बार बार लेट देने सोना के फेर किधरे नजरी आ जाए हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी कहती हो सुपने अंदर माही मिले ते मैं गल विच पा लिया पावा दर दी मारी मैं अख ना खोला किते फेर बिछड़े ना जावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अद्धी रात वेले लश्कर तैयार किया मदीना तैयबा वल टुर पे कह लगे कमली वाले आ तेरा गुलाम भी आयोदाई सोने तेरा गुलाम भी आयोदाई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जड़े वेले मदीना तैयबा आ गए फरमान लगे है मदीना तैयबा दे लोगों अज दे खाने की दावत मेरे वालों है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वेखिया सारे मदीने के लोग आ गए पूछे आ लोगों को पीछे तो नहीं रह गया आख लगे दो बड़े नेक इंसान ने जन्नतुल बकी दे करीब उन्होंने उथे झोंपड़ियां लगाइया ने उन्होंने सारा दिन अल्लाह की इबादत करते ने सारी रात इबादत करते ने हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कह लगे एडे इन्हें को कार ने मैनु उन्होंने बारगाह च लै जाओ जेड़े वेले टुरे टुरे उन्होंने मिलन वास्ते आए वेखदी पहचान गए ए इंसान
ने जिन्हों की शकल कमली वाले ने तस्वीर खा बिच वखाई है। ईसाइया ने साजिश की अपने बंदे तैयार करके भेजे जाओ जाओ के मुहम्मद की कबर विचो जिसम नो निकाल के लैके आ जाओ ना कबर विच जिसम आएगा। असी आखांगे तुसी कहंदे हो नबी हाजर है असी आखांगे जे हाजिर है कबर विच लियाओ कबर खोदनिया वेख लैने कहन लगे कबर भी कबर विचो जिसम ही निकाल लिया जाए ताकि ना कबर विच जिसम आवे ना मुसलमान आखन साडा नबी कबर अंदर जिंदा है। लोगों उन्होंने साजिश खेडी है हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब जी नबी करीम ने वखा दिता आप वे कई पहचान गए आपने तलवार निकाली उन्होंने गर्दना ते रख के फरमान लगे मैनु सची सची दसो तुसी कौन। आपने जड़े वेले उन्होंने झोंपड़िया की जा के तलाशी लई लोगों जिथे मुसला बिछाया है उन्होंने मुसलिया के थले सुरुंग बिकड़ते ने सुरुंग टुरदी टुरदी नबी करीम की कबरे पाक तक आ गई। हजरत उमरे फरोक के पैर का अंगूठा भी नजरी आन लग पिया। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें दोवे ईसाइया दियां गर्दना उड़ा दितियां आपने गर्दना उड़ा के दसिया जिहड़ा मुहम्मद दा गुस्ताख होवे उन्हों जिंदा रहन दा हक कोई नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फिर मदीना तैयबा सरकार दे रोजे दे इर्द गिर्द खुदवाई कराई लोगों जमीन नू खोदिया इन्नी जमीन खोदी नीचे तो पानी निकल आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शीशा पिघला के इज दी दीवार बना दी नाले नबी करीम का सोना दिया रोजा तैयार कराया। सरकार दे रोजे दे सामने खड़े होके कहन लगे कमली वाले हर रोज आवाजा मारदा रहा सोने एक दिन तो कमर मेरे ते फरमा दिता हुई कहन लगे कमली वाले इस करा दा मैं की शुकराना ही अदा करा दुनिया ते बड़े बड़े सुल्तान ने पर तू अपनी गुलामी ले मैनू कबूल किया है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सोना जिया सरकार का रोजा बनवाया शीशे की दीवार पिघला के बनाई नले अंत करदे ने सोने कयामत तक लखा गुला लखा दुश्मन भी आ जा सोने कोई दिन तकलीफ नहीं दे सकता। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी रो रहे मदीना तैयबा दे लोग भी रो रहे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सरकार दे रोजे दे सामने खड़े ने नाले हाथ जोड़ के अर्द करते ने सोने कमली वाले मेरे ते करम फरमाया सोने मेरे ते इंजी करम फरमावी। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना तैयबा तो टुर पे नाले मुड़ मुड़ के यार दे रोजे वल वेखदे ने नाले इल्तजामा करदे ने सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रबे तेरा दबारा या ते तेरा बेड़ा इस वजह तो पिया वसदा है ए नबी करीम तेरे मेरे लिए दुआवां कीतियां ने अज जेड़ा चांदा है उहदे घरों बीमारी दूर ही हो जाए जेड़ा चांदा है उहदे घर खुशहाली आ जाए अज कमली वाले दे वेड़े दियां खैरातां मंगो नाले सारे मिल के आखो सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे होदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होदा गरीबादा गुजारा या नारा तकबीर नारा विशाल नारा हैदरी
उलमाए अहले सुन्नत आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सरकार की आमद आका की आमद दादा की आमद हुजूर की आमद नाराय हादरी हादरी जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवारा ईमानदारी नाल दसो ये ओ दर है जिथों मैनू तेनों खैरात मिले फिर असी उस दर दी खैरा ना मंगीए अहबाबे दी वकार पता लग गया जेड़ा सोने नूं बुलांदा है ना फिर सोना आ जांदा है सोना करम नवाजियां फरमा देंदा है और अगे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा फरमाया सोने असा ना तेनों हाजिर नाजिर बना के भेजिया गिरामिया कदर अहबाब साडा अहले सुनो तो जमात दा अकीदा ए बे नबी हाजिर भी है नबी नाजिर भी है पर एदा मतलब ए नहीं कि सोना इत्थे भी है उत्थे भी है उत्थे भी है ना ना साडा अकीदा ए बे कि सोना मदीना तैयबा अपने गुंबद खजरा दे अंदर आराम पिया फरमांदा है अल्लाह ने ए इख्तियार अता फरमाया है सोना जिथे चावे जिमें चावे जदों चावे आ भी सकदा है ते जा भी सकदा है ये साडा अकीदा है साडा अकीदा है कि नबी हाजिर है नाजिर है अज लोग कहंदे ने वेखो ना शाहिद दा माना ते गवाह है ते तुसी कहंदे हो हाजिर नाजिर है याद रखिएगा गवाह भी उही होंदा है जेड़ा मौके ते हाजिर भी होवे ते नाजिर भी होवे अगर कोई बंदा आखो नबी ना हो तवज्जो भाई तवज्जो मेरे बार आखिरी अकीदे की बात है फिर इजाजत अगर कोई बंदा आखो नबी ना हो कोई से जगह ते कोई झगड़ा हो जाए कोई लड़ाई हो जाए वो जाके आखे जी मैं उस जगह मौजूद हाँ मैं गवाह हाँ वो आखन तू हाजिर ते है सै नाजर भी है सै यानी वेख्या भी है वो आखेगा ना ना मैं ते आखो नबी ना मैं नाजर ते नहीं सा हाजिर जरूर सा इसे वास्ते शरीयत मुस्तफा के अंदर नबीने की गवाही मंजूर कोई नहीं क्योंकि वह हाजिर ते होंदे नाजर नहीं होंदा पता लग गया जेड़ा हाजिर होवे नाजर भी होवे ओदी गवाही कबूल की जाती है ये बदबख्त इन्हां दे मौलवी कहंदे होंदे सन माज अल्लाह कहंदे होंदे सन जे नबी हाजर नाजर है ते नजर क्यों नहीं आउंदा ये कहंदे सन जे नबी हाजर नाजर है इन्हां दे इक मौलवी है यकीन करो मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा वो कहंदा होंदा सी वेखो किधरे माज अल्लाह नबी मेरी कुर्सी दे थल्ले ते नहीं वो कहंदे होंदे सन कि जे नबी हाजर है नाजर है ते नजर क्यों नहीं आउंदा ये कहंदे ने जिहड़ी हाजर होवे नाजर होवे चीज नजर आनी चाहीदी है नौजवानों इन्हों ये सवाल पूछिया करो मौलवी जी अकल है जे आखे ना है तो तुसी आखे करो मौलवी जी वखाओ ना वखाओ इन्हों पूछिया करो मौलवी जी ये जान है ते जे आखे ना है इन्हों क्या करो जरा वखाओ ना ते पूछिया करो मौलवी जी ईमान है ते जे आखे ना है आख्या करो वखाओ ना ते जे मौलवी आखे अकल है जान है ईमान है पर वखाया नहीं जांदा हौला जिहा सवाल करिया जे मौलवी जी तुहाडा ते अकीदा है कि जिहड़ी चीज नजर ना आवे ओह ते हुंदी नहीं लिहाजा ना तुहाडे कोल अकल है ना जान है ना ईमान है ईमान ते सुनिया कोल जिहड़े कहंदे ने सोना हाजिर भी है ते नाजिर भी है आ वेखो ना जनाजा पढ़ने आ जनाजा पढ़दे आ असीं दुआ की करने आ आंदी है किसी नूं दुआ अल्लाह तुहानूं मदीने लै जाए आ साडे कई अक्सर वेली आउंदे ने आ के कहंदे ने मौलवी जी ये जनाजे वाली दुआ ना आउंदी होवे ते फिर की करिए ओए अल्लाह तेनूं मदीने लै जाए जे नहीं आउंदी ते याद कर जे नहीं आउंदी ते याद कर ते जे याद नहीं ते मुर्दे नाल धोखा ते ना ना कर ईमानदारी नाल दस सच्ची सच्ची दसी गालां तेनूं जमाने दीआं आउंदीआं होवन क्रिकेटर हर एक दा तेनूं नाम आउंदा होवे धोखा तेनूं कारोबार च सारे करना आउंदा होवे ते नहीं आउंदी ते जनाजे दी दुआ नहीं आउंदी कदे कदे अद्धा घंटा निकाल के हर रोज अपने मस्जिद इमाम साहब कोल जाके बैठिया करो ना ते जाके आख्या करो मौलवी जी मैनूं हजूर दा दीन सिखाओ साडे अकायद कीने सिखाओ मैनूं नमाज़े जनाजा मैनूं नमाज सही पढ़नी सिखाओ
ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਗਫਿਰ ਲੀ ਹਯਿਨਾ ਵਮੈਤਿਨਾ ਵਸ਼ਾਹਿਦਨਾ ਵਗਾਇਬਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਵਸ਼ਾਹਿਦਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਏ ਇਹ ਉਹ ਰਸੂਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਏ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚ ਜਾਵਾਂ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੀ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਆਮਾਲ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਹਰ ਅਮਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੁਬਹ ਸਰਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਆਵੇ ਵਿਲਾਦਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਖਾਤੂਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਵਾ ਆਈ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਸੀਆ ਚੌਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਮੈਂ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰ ਆਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਮੀਨਾ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਅਮੀਨੀ ਨੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਮੀ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਜ ਦਾ ਨੂਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਸ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜੀਏ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰਾ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜੀਏਗਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨੂਰ ਏ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਦਾ ਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ ਸਵੇਰਾ ਹ
हो गया। हजरत आमीना फरमादी ने सोना मेरी गोदी अंदर आया, फरमान लगिया मैं बैठी मुल्के मक्का दे अंदर ओ मुल्के शाम दे महला ते नजरी आ रे। हजरत आमीना फरमादिया ने आ गया सोना सवेरा, ए आ गया सोना सवेरा। ओ जोर दी फुफा हजरत सफिया फरमादी ने उस वेले मैं भी नबी करीम नू मिलन आ गई। फरमान लगिया मैं कमरे च आई, फरमान लगिया देखिया जिधर नबी करीम दा झूला है, फरमान लगिया मैं वेखिया दीवा भी पिया बलदा है पर दीवे दिलों नजरी नहीं आ रही, जिधर जिधर पई वेखनिया आ गया सोना सवेरा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमांदी ने मैं कमरे च बैठ के कपड़े पसीनी आग, फरमान लगियां अचानक मेरे हाथ चो सुई डिग गई, फरमान लगियां दीवे चो पतेल भी खत्म हो गया, फरमान लगियां मैं सुई भी लभनी आ, मैं सुई भी लभनी आ, फरमान लगियां मैनू सुई नजरी नहीं आ रही। अचानक कमली वाले दरवाजे च आके मुस्कुराए, फिर की होया आ गया सोना सवेरा, ए सवेरा हो गया आ गया सोना सवेरा, आ गया सोना सवेरा मिला शरीफ यौम शहीद बिल्कुल करीब आ गया। आज तो हुजूर दे मिलाद वास्ते तैयारियां शुरू करो। अब देखो माशाल्लाह घरां ते लाइटिंग, अपने अपने घरां ते लाइटिंग करो, सरकार दे मिलाद वाला झंडा लगाओ। बंदा किसी पार्टी दा होवे ना ते लोग झंडा वेख के समझ जांदे ने जी फलां पार्टी दा, तुसीं भी अज हुजूर दे मिलाद दा झंडा लगाओ ताकि उन्हां नूं पता लग जाए आ बंदा मुहम्मद दी पार्टी दा। अपने घरां ते मिलाद दे झंडे लगाओ, लाइटिंग कराओ, सरकार दे आमद दे नारे मारो। अल्लाह तुहानूं दारें दीआं खुशियां नसीब फरमाए।